जानते हैं, और आप सभी क्रांतिकारी साथियों को भी क्रांतिकारी जोहार। आज हम हमारी बापूती को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हिंदी में तो कहेंगे आरक्षण, लेकिन अगर हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में अगर बात करो तो हम हमारी बापूती के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाप दादाओं ने जो लड़कर संविधान के अंदर अधिकार हासिल किया है उसको आज तक लागू नहीं किया गया है, उसको लागू करवाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आज का जो मीटिंग है, आज का जो सम्मेलन है, इसका मुख्य एजेंडा यह है। आरक्षण का मतलब समझना है, आरक्षण का मतलब ना सिर्फ नौकरी, आरक्षण का मतलब आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, शान। आरक्षण अभी तक तो हमारी जानकारी है कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन ये जो तथ्य है ये झूठ है। आदिवासियों का जो संविधान था, आदिवासियों के लिए जो संविधान तैयार किया गया था, संविधान सभा के द्वारा 5वीं अनुसूची जो बनाई गई थी वो 26 जनवरी 1950 में लागू नहीं की गई। और नहीं लागू करने के कारण आदिवासियों को इस देश का मजदूर बना दिया, मजदूर की खदान बना दिया इस क्षेत्र को, आदि अनुसूचित क्षेत्र को। एक बात आपको समझना है, यदि 26 जनवरी 1950 को आरक्षण लागू हुआ होता तो आज मैं यह पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख में हमारा कोई भी परिवार बेरोजगार नहीं होता, हर परिवार को एक अच्छा पक्का घर और आज की तारीख में गाड़ी और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रहा होता। आज इतना हमारे साथ बुटागा था। आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी यू, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, और यह प्रश्न, यह सवाल उन नेताओं से भी करिए कि आदिवासियों का जो आरक्षण था, आदिवासियों का जो संविधान था, आदिवासियों के 5वीं अनुसूची थी, वो कब लागू की गई? जवाब नहीं मिलेगा, उनको जवाब नहीं मिलेगा। आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची है, आदिवासियों का जो आरक्षण है, वो आज तक लागू नहीं किया गया है। तो उससे पहले थोड़ा सा लागू किया 1981 के अंदर, थोड़ा सा वोट के मुंह में जीरा क्या हो उसमें। तो इतने सालों तक 1950, 1960, 1970 30 सालों तक इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र का जो जमीन था, जंगल था, पानी था, नौकरियां थी, उसके ऊपर किसने खाया, वह किसने खाया, आप समझ रहे हो, वह किसने खाया, किसने खाया होगा ना। हम तो वो पूछे का जो हो गया अभी तक, चलो ठीक है, दैट्स ओके, वी हैव पेशेंस, हमें संयम है, हमारा दिल बड़ा है, हम देश के मालिक है। वो पूछ नहीं रहे हैं कि 1950 से 1970 तक और उसके बाद 1992 और 2013 तक हमारे आदिवासी आपकी कितनी नौकरियां दूसरों ने करके खाई है, वो वापस लौट जाए। जिस दिन हम ये पूछेंगे तुम्हारा पसीना आ जाएगा। हम ये चाह रहे हैं, वी आर फॉरगेटिंग अवर पास्ट, वी आर राइटिंग अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल, आदिवासियों का नया इतिहास हम लिखना जा रहे हैं। अब बताओ आरक्षण किसको दिया गया? एसटी मतलब शेड्यूल का ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, एससी को दिया गया, ओबीसी को दिया गया, और वैसे इंडिया के अंदर कितने वर्ग है? 4 वर्ग है, एसटी, ओबीसी, एससी और जनरल। ये सद्भावी निवासी कहां गए? ये सद्भावी निवासी कौन सा शब्द है, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? पता है सद्भावी निवासी के नाम से इस क्षेत्र की नौकरियों को लूटा जा रहा है। ये शब्द इस संविधान, ये जो 2013 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है उससे हटना चाहिए, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, इसको बताना पड़ेगा। ये सद्भावी निवासी कहां से आया, कौन से संविधान में लिखा हुआ है, और ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं सद्भावी निवासी?
इसलिए मैं युवा ज्यादा नहीं बोलूंगा, वी हैव ऑलरेडी एमएलए दे आर शूटिंग ओके। तो मैं युवाओं से यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों से, जो जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो उदयपुर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जिला मुख्यालय पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करने से नौकरी हासिल नहीं होगी, 1 घंटा आपको आपके हक अधिकार और 5वें अनुसूची के निकालना पड़ेगा, लड़ना होगा। हमारी बाप होती हमारे अंदर अगर खून है तो बिरसा मुंडा का है, कंटिया भील का है, कालीबाई क्रासवा का है, पूजा भील का है, वो उनके वंशज हैं। और आज की संतानें मुंह नीचा करके घूम रही है, क्या हम उनके संतानें हैं या नहीं है? है तो इससे आरक्षण देने का, अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण हमारे लिए 244 से 5वीं अनुसूची के तहत जो निहित किया गया है उसके लड़ना होगा। और जब भी आप शादी करो नौजवान साथियों, आपकी तंकु पत्री इन्विटेशन लेटर उस पर 5वीं अनुसूची 244(1) के तहत आरक्षण लागू हो ऐसा नारा हर जगह लिखा जाए। मिशन आरक्षण को लेकर हमें लड़ना होगा। और एक नारा दूंगा, डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू